हाय, वेलकम टू कोड फाइंड यू। वेलकम टू नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जावा प्रोजेक्ट सीरीज। और इस प्रोजेक्ट सीरीज में हम बनाने वाले हैं क्विज एप्लीकेशन। एक डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन होगी विद द हेल्प ऑफ जावा स्विंग। जावा स्विंग एक कॉन्सेप्ट है जावा कोर का, और हम यहाँ पे यूज करेंगे AWD का। AWD है यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। यहाँ पे जो UI होगा, जो फ्रेम होगा, वो हम बनाएंगे स्विंग और AWD की हेल्प से। ठीक है, प्रॉपर एक क्विज एप्लीकेशन होगी, एक डेस्कटॉप बेस एप्लीकेशन है। अगर मैं आपको यहाँ पे इसको चला के दिखाऊँ, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट दिखा दूँ। प्रोजेक्ट दिखाने के लिए मेरे पास यहाँ पे चार क्लासेस हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन क्लास है, मैंने यहाँ पे इसको रन किया। लॉगिन क्लास जैसे ही आप यहाँ पे रन करोगे, तो सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन फ्रेम खुलेगा। ये आपका यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम है। यहाँ पे ये पूछ रहा है एंटर योर नेम, क्योंकि क्विज खेलने से पहले आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है। तो मैंने सपोज यहाँ पे डाला सपोज कोड फॉर इंटरव्यू। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोड फॉर इंटरव्यू डाला, और यहाँ पे उसके बाद आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। एग्जिट करोगे, ये वाला फ्रेम क्लोज हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे उसके बाद रूल्स पे क्लिक करोगे, तो आप यहाँ पे इस गेम के रूल्स चेक कर सकते हो। आप अगर यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो जो भी आप नाम डालोगे वो यहाँ पर आएगा, कोड फॉर इंटरव्यू। मैंने वहां पे डाला, तो कोड फॉर इंटरव्यू मेरा यहाँ पर आया। उसके बाद यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जो बहुत फनी है। अगर आप ये प्रोजेक्ट दे रहे हो अपने मेजर के लिए, माइनर के लिए, या फिर अपने कॉलेजेस में आप इसको सबमिट कर रहे हो, ठीक है, तो ये रूल्स थोड़ा सा चेंज कर देना, क्योंकि ये बहुत फनी है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, यू आर ट्रेन टू बी अ प्रोग्रामर एंड नॉट अ स्टोरी टेलर, आंसर पॉइंट टू पॉइंट, डू नॉट अननेसेसरी स्माइल एट द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू, दे मे ऑल्सो नॉट नो द आंसर, यू मे हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस इन लाइफ, बट हियर ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, क्राइंग इज अलाउड बट प्लीज डू सो क्वाइटली, Only a fool asks can a wise answer, be wise not otherwise. Do not get nervous if your friend is answering more questions. Maybe he or she is doing Jai Mata Di. Brace yourself. This paper is not for the faint-hearted. May you know more than what Jon Snow knows. अगर आप ये वाला project बना रहे हो for colleges, तो इनको please change कर देना, ठीक है? इनको please change कर देना. तो ठीक है, अगर आप यहाँ पे ये सब कुछ रूल्स हैं यहाँ पे आपके, ठीक है, अगर आप इनको पढ़ चुके हो, तो उसके बाद आप यहाँ पे आप क्विज को स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद क्विज को स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पे क्लिक आप जैसे ही करोगे, आपका जो क्विज है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इसके चार ऑप्शन है। टाइम है यहाँ पे कि 15 सेकंड का, यहाँ पे आपके पास टाइम है 15 सेकंड यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास तीन बटन है, 50-50 लाइफ लाइन है, नेक्स्ट बटन है, सबमिट बटन है। अगर आप सपोज नेक्स्ट पे क्लिक नहीं करते और आपका टाइम अप हो जाता है, तो फिर ये अपने आप यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन खुल जाएगा। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, टाइमर फिर से यहाँ पे 15 से स्टार्ट हुआ है। सपोज मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके मैंने सपोज यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो फिर आपका यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन खुल गया। टाइम आपका फिर से यहाँ पे 15 से स्टार्ट हुआ है। मैंने सपोज यहाँ पे लिखा है java.util.package, और मैंने सपोज यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया, आप यहाँ पे टाइम आपका फिर से 15 से स्टार्ट होगा। आप यहाँ पे 50-50 लाइफ लाइन का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया, तो ये दो ऑप्शन यहाँ से हट चुके हैं। मैंने सपोज यहाँ पे मार्कर इंटरफेस, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, क्वेश्चंस हैं, 15 सेकंड है, टाइम आप बढ़ा सकते हो। इन विच मेमरी या स्ट्रिंग स्टोर, ठीक है, कौन सी मेमरी में स्ट्रिंग स्टोर होती है। सपोज मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग मेमरी लिखा, स्ट्रिंग, और मैंने सपोज यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मार्कर इंटरफेस, आप यहाँ पे देखो जो 50-50 लाइफ लाइन है वो बटन डिसेबल्ड है, सबमिट बटन यहाँ पे डिसेबल्ड है। सबमिट बटन आपका जब यहाँ पे नेक्स्ट, तो जब आप यहाँ पे लास्ट ऑप्शन, लास्ट क्वेश्चन पे आप जब पहुंच जाओगे, तो आपका यहाँ पे सबमिट बटन अनेबल होगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, और यहाँ पे जो अपने आप ये यहाँ पे टाइम टाइम समाप्त होते ही ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। विच कीवर्ड इज यूज फॉर एक्सेसिंग द फीचर ऑफ अ पैकेज, मैंने यहाँ पे सपोज इम्पोर्ट पे यहाँ पे क्लिक किया, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे क्लिक किया। इन जावा जार स्टैंड्स फॉर, मैंने यहाँ पे लिखा सपोज जावा आर्काइव, ठीक है, और सपोज यहाँ पे नेक्स्ट मैंने क्लिक किया। अब आप अगर देखोगे, जैसे ही मैंने यहाँ पे सपोज इस पे क्लिक किया, तो सबमिट बटन अनेबल हो जाएगा नेक्स्ट पे क्लिक करते ही, और नेक्स्ट बटन डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो लास्ट क्वेश्चन होगा, यहाँ पे सिर्फ 10 क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया, सबमिट बटन आपका डिसेबल हो गया, और यहाँ पे सबमिट पे मैं आ चुका हूँ। ठीक है, अगर आप सपोज सबमिट बटन पे क्लिक नहीं करते, तो ये अपने आप यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, बट मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ टाइम के खत्म होने से पहले। मैंने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया, तो ये आपका यहाँ पे खत्म हो चुका है, और फिर आपका यहाँ पे फिर स्कोर आएगा, जितने क्वेश्चन आपने सही मार्क किए हैं। 10 नंबर का एक क्वेश्चन था, मेरे पास यहाँ पे टोटल स्कोर आया वो है 60, मतलब मेरे 6 क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आया, थैंक यू कोड फॉर इंटरव्यू, जो नाम मैंने वहाँ पे डाला था, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे स्कोर है। आप प्ले अगेन पे क्लिक करोगे, तो आप वापस यहाँ पे पहुंच जाओगे, ठीक है, और यहाँ पे आप एग्जिट पे क्लिक करोगे, तो ये आपका यहाँ पे बंद हो जाएगा।
तो ये हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पे क्विज एप्लीकेशन, ठीक है। ये प्रोजेक्ट होगा आपका यहाँ पे जावा स्विंग की हेल्प से, ठीक है। जावा स्विंग जो आप यहाँ पे ये सब फ्रेम्स देख रहे थे, ये सब यहाँ पे स्विंग की हेल्प से थे। हमने यहाँ पे जावा के हम यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, ठीक है। चाहे वो ओब्स कॉन्सेप्ट हो, मेथड ओवरलोडिंग है, ओवर राइडिंग है, इनहेरिटेंस है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेज है, ठीक है। हम यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे ग्राफिक्स का भी यूज होगा। जो टाइमर वाली क्लास है, जो वहाँ पे टाइम चल रहा था, उसके लिए मैं यहाँ पे ग्राफिक्स क्लास का यूज करूँ। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी कॉन्सेप्ट्स का यूज होगा, ठीक है। आप इस प्रोजेक्ट को यूज कर सकते हो फॉर योर इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है, मेजर माइनर और थेसिस के लिए जो भी आपको यूज करना है आप इसको यूज कर सकते हो। आप इसको अपने रिज्यूमे में भी मेंशन कर सकते हो। तो इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे यहाँ पे इस वाली वीडियो में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो एंड अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, ठीक है। अगर आपको प्रोजेक्ट पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करना। बाकी प्रोजेक्ट्स आप चेकआउट कर सकते हो, जैसे एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है, ये भी यहाँ पे स्विंग की हेल्प से AWT की हेल्प से यहाँ पे मैंने MySQL डेटाबेस का भी यूज किया है। तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इन सभी वीडियोस का लिंक आप यहाँ पे चैटिंग एप्लीकेशन बना सकते हो। चैटिंग एप्लीकेशन यहाँ पे व्हाट्सएप जैसे मैंने इसको लुक देने की कोशिश की है, ये भी एक डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन है विद हेल्प ऑफ जावा स्विंग एंड AWT। फिर यहाँ पे आप फुल स्टैक प्रोजेक्ट बना सकते हो विद हेल्प ऑफ रिएक्ट। फ्रंट एंड में यहाँ पे रिएक्ट मटेरियल यूआई है, बैक एंड में यहाँ पे स्प्रिंग बूट है, और यहाँ पे डेटाबेस मैंने यहाँ पे यूज किया है MySQL। तो ये एक फुल स्टैक एप्लीकेशन है, एक करंट एप्लीकेशन है टू गेट यू स्टार्टेड विद फुल स्टैक। तो इसका लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर आप अगर मन स्टैक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, आप फ्रंट एंड एंथुसियास्ट हो, तो आप यहाँ पे मन स्टैक प्रोजेक्ट्स बना सकते हो विद हेल्प ऑफ रिएक्ट जेएस, एक्सप्रेस जेएस, नोड जेएस एंड मोंगो डीबी, ठीक है। यहाँ पे डेटाबेस मोंगो डीबी है और यहाँ पे मन स्टैक प्रोजेक्ट्स हैं। ब्लॉग एप्लीकेशन है, आप यहाँ पे फ्लिपकार्ट क्लोन बना सकते हो, ठीक है। ये फिर वही है, एक डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन है जावा में, ठीक है, जो मैंने आपको अब अभी भी दिखाई दे। फिर यहाँ पे कुछ फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आप यहाँ पे पोस्टमैन का क्लोन बना सकते हो, गूगल कीप का क्लोन बना सकते हो, गूगल डॉक्स का आप यहाँ पे क्लोन बना सकते हो, ठीक है। जेसन सर्वर क्या होता है, आप ये बना सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट जेएस में अगर आपको काम करना है, नेक्स्ट जेएस की एक प्रोजेक्ट है मेरे पास फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स, ठीक है, ये आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। और कुछ बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो, ये यहाँ पे ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट सिस्टम, होटल मैनेजमेंट सिस्टम, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब यहाँ पे डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन है विद द हेल्प ऑफ जावा स्विंग एंड AWT। तो इस प्रोजेक्ट पर आते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको यहाँ पे दो चीजें चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जावा को डाउनलोड करना है। जावा का यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ JDK 17। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैं यहाँ पे JDK 17 का यूज करूंगा। तो अगर आपके पास JDK नहीं है डाउनलोडेड, तो आप यहाँ पे JDK को आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। इसकी एक वीडियो है, ये आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसकी हेल्प से यहाँ पे इस वीडियो को देख के JDK 17 को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास JDK कोई और डाउनलोडेड है, JDK 8 है, 9 है, 11 है, 13 है, 17 है, 18 है, कुछ भी है सब चलेगा, ठीक है। बट अगर नहीं है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, एक क्योंकि कोई ना कोई JDK यहाँ पे हमें चाहिए। तो ये वाली वीडियो देख के आप यहाँ पे JDK 17 को डाउनलोड कर सकते हो। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ JDK 17 का। इसके बाद आपको यहाँ पे एक IDE चाहिए होगी, ठीक है। IDE मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ नेटबीन्स। अगर आपके पास एक्लिप्स है, इंटेल आईजे है और विजुअल स्टूडियो कोड है, सब चलेंगे, ठीक है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पे नेटबीन्स को डाउनलोड कर सकते हो। ये वो वीडियो का लिंक है, इस वीडियो को देख के आप यहाँ पे नेटबीन्स को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। MySQL का हम यहाँ पे यूज कर नहीं रहे, ठीक है। यहाँ पे डेटाबेस नहीं है इस प्रोजेक्ट में, तो इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन दोनों वीडियो के लिंक्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपके पास डाउनलोडेड ये दोनों चीजें नहीं है तो आप प्लीज डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके पास दोनों चीजें डाउनलोडेड है तो यू आर गुड टू गो टू क्रिएट दिस प्रोजेक्ट। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे नेटबीन्स में आना है। नेटबीन्स में आने के बाद इसको सपोज यहाँ से मैं कर रहा हूँ क्लोज, ठीक है, क्लोज अदर्स नहीं करना, क्लोज ऑल करना है, ठीक है। इसको यहाँ से करते हैं क्लोज, बहुत बढ़िया। तो अगर आप नेटबीन्स खोल लोगे तो ये आपको कुछ यहाँ पे ऐसा दिखेगा, ठीक है। नेटबीन्स जब आप यहाँ पे खोलोगे तो कुछ यहाँ पे आपको ये ऐसा दिखेगा। आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, येलो बटन पे। येलो बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जाओ विद आंट को सिलेक्ट करना है। जाओ विद आंट को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर उसके बाद लिखना है क्विज एप्लीकेशन, ठीक है। मैंने सपोज यहाँ पे लिखा क्विज एप्लीकेशन, ये आपके यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम है। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नाम देना है क्विज एप्लीकेशन। ये आपको एक मेन क्लास बना के देगा क्विज एप्लीकेशन के नाम से, बिल्कुल ठीक है, बना लेते हैं, कोई 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 दिक्कत नहीं है। बाद में डिलीट करनी पड़ेगी वो अलग बात है, बट आपको यहाँ पे इसके बाद फिनिश पे क्लिक करना है। ये आप देखो यहाँ पे इसने एक प्रोजेक्ट बनाना है, यहाँ पे हमारा स्टार्ट कर दिया है। 2-3 सेकंड लगेंगे इसमें और ये बन के यहाँ पे तैयार हो भी चुका है। तो ये आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट बन के आया है क्विज एप्लीकेशन के नाम से, और इसने मेरे को यहाँ पे एक फाइल भी बना के दी है, एक क्लास बना के दी है बेसिकली, जो कि है यहाँ पे क्विज एप्लीकेशन के नाम से, ठीक है। इस क्लास की हमें यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, तो इस क्लास को आप यहाँ पे कर सकते हो डिलीट, ठीक है।
मैं सपोज यहाँ पे इसको डिलीट किया, उसके बाद आपको यहाँ पे एक नई क्लास बनानी है जो कि हमारी यहाँ पे फर्स्ट क्लास होगी, जो कि होगी यहाँ पे लॉगिन के नाम से। तो आपको यहाँ पे तो कैसे बनाना था मैंने बताया नहीं। आपको यहाँ पे जो पैकेज है उस पर राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जावा क्लास पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्लास का नाम देना है जो कि सपोज यहाँ पे लॉगिन के नाम से। और यहाँ पे फिनिश पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे इसने मेरे को एक नई क्लास बना के दी है जो कि है यहाँ पे लॉगिन के नाम से। इसके बाद आपको जो एक्स्ट्रा चीजें हैं यहाँ पे उनको हटाना है, जो भी यहाँ पे सब कमेंट्स हैं। ठीक है, ये यहाँ पे एक जावा में अगर आप यहाँ पे क्लास बनाते हो, जावा में हम क्लासेस बना सकते हैं क्लास कीवर्ड की हेल्प से। ये यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर है जो कि यहाँ पे पब्लिक है। मेक श्योर क्लास का जो फर्स्ट नेम होना चाहिए वो यहाँ पे कैपिटल होना चाहिए और ये हमारी यहाँ पे क्लास का नाम है। ये हमारी यहाँ पे पैकेज का नाम है। ठीक है, पैकेज का नाम हमें मेंशन करना होता है अगर जरूरी होता है, अगर आपका जो अगर आपकी क्लास है वो सोर्स पैकेज के अंदर किसी फोल्डर के अंदर है। अगर सोर्स पैकेज के अंदर डायरेक्टली आपकी क्लास है तब तो जरूरत नहीं है पैकेज को मेंशन करने की, क्योंकि जेवीएम यहाँ तक उठा लेता है। सोर्स पैकेज के अंदर जेवीएम आपकी जो फाइल है, जो क्लास है, उसको उठा लेता है। बट अगर आपकी सोर्स पैकेज के अंदर कोई और फोल्डर है, जैसे मेरे पास यहाँ पे सोर्स पैकेज के अंदर क्विज के नाम से एक फोल्डर है, फिर यहाँ पे एप्लीकेशन के नाम से एक फोल्डर है, उसके अंदर मेरे पास यहाँ पे क्लास है लॉगिन के नाम से, तो मेरे को फुल एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, क्विज डॉट एप्लीकेशन डॉट लॉगिन, जहाँ पर आपकी लॉगिन क्लास है। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पे पैकेज को मेंशन करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक मेन मेथड बनाना है, क्योंकि मेन मेथड कंपलसरी होता है। जब जब भी आप यहाँ पे इस क्लास को रन करोगे तो सबसे पहले जेवीएम आता है, जेवीएम आपका मेन मेथड ढूंढता है और उस मेन मेथड को वो एग्जीक्यूट करता है। तो मैंने यहाँ पे मेन मेथड बनाया और मैं यहाँ पे सिंपल लॉगिन के नाम से लॉगिन क्लास का मैंने यहाँ पे सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू लॉगिन लिख के। आप शायद लॉगिन क्लास का ऑब्जेक्ट आप ऐसे भी बना सकते हो, ये लॉगिन एल इज इक्वल टू न्यू लॉगिन है, बट यहाँ पे इस एल की मेरे को यहाँ पे जरूरत नहीं है। क्लास का जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट होता है वो ये होता है, इसको आप क्लास के ऑब्जेक्ट को स्टोर करवाते हो आप किसी वेरिएबल के अंदर, बट मेरे को यहाँ पे इस वेरिएबल की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे सिंपल न्यू लॉगिन भी लिख सकते हो, क्योंकि जो एक्चुअल क्लास का ऑब्जेक्ट होता है वो ये होता है, एंड इसको हम बोलते हैं अनोनिमस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल ठीक है, हमने यहाँ पे क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया। क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाना है। मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि जैसे ही मैं क्लास को रन करूँ वैसे ही मेरे को फ्रेम दिखना स्टार्ट हो जाए। आपने अगर देखो इंट्रोडक्शन वीडियो में जो अभी मैंने प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन दिया है, वहां पे मैंने क्लास को रन किया, क्लास को रन करते ही फ्रेम दिखना स्टार्ट हो गया था मेरे को। अब जब भी आप क्लास को रन करते हो, क्लास के रन करते ही आपका मेन मेथड कॉल होता है। मेन मेथड मैंने यहाँ पे क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास को ऑब्जेक्ट बनाती है आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो मेरे को फ्रेम की जितनी भी कोडिंग है वो सब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तभी वो जैसे ही मैं क्लास को रन करूंगा तभी आपका वो फ्रेम दिखेगा। तो सबसे पहले तो अब फ्रेम बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्लास का यूज करना होता है, जो कि होता है जे फ्रेम क्लास। मेरे को यहाँ पे उस क्लास को एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे इनहेरिटेंस मेथड का यूज किया और मैंने यहाँ पे जो आपकी जे फ्रेम क्लास है उसको मैंने यहाँ पे एक्सटेंड कराया। अब जो जे फ्रेम क्लास होती है वो होती है आपकी स्विंग पैकेज के अंदर, तो हमें यहाँ पे स्विंग पैकेज को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इम्पोर्ट जावा। अब जो स्विंग पैकेज आता है वो जावा के एक्सटेंडेड पैकेज से आता है, तो आपको यहाँ पे जावा एक्स लगाना पड़ेगा, जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टार। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो आपकी जे फ्रेम क्लास है वो आपकी यहाँ पे इम्पोर्ट हो जाएगी। अब इसके बाद आपको यहाँ पे फ्रेम बनाना है, तो फ्रेम बनाने के लिए आप यहाँ पे दो फंक्शंस का यूज कर सकते हो। पहला जो फंक्शन है वो है यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, आपको यहाँ पे सबसे पहले लिखना है सेट विजिबल और यहाँ पे आपको करना है ट्रू। हमारा जो फ्रेम होता है वो बाय डिफॉल्ट हिडन होता है, मतलब वो उसकी विजिबिलिटी बाय डिफॉल्ट हिडन होती है, तो आपको यहाँ पे उसको सेट विजिबल ट्रू करना होता है ताकि आप उसको देख सको। तो मैंने यहाँ पे वही किया, मैंने यहाँ पे सेट विजिबल मैंने यहाँ पे ट्रू किया, और जैसे ही आप यहाँ पे सेट विजिबल ट्रू करोगे तो आपको फ्रेम दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे इसको चला के आपको दिखाऊंगा तो आप यहाँ पे देखो लेफ्ट टॉप में यहाँ पे मेरे पास एक चीज आई है और ये मेरा यहाँ पे फ्रेम है। अगर मैं आपको यहाँ पे इसको एक्सपैंड करके दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देखो ये मेरे पास यहाँ पे फ्रेम आया पूरा। ठीक है, और आप अगर इसको उठा के यहाँ पे लेके भी आओगे तो बस इतना सा है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, बस जे फ्रेम क्लास को यहाँ पे आपको एक्सटेंड करवाना है, सेट विजिबल को यहाँ पे आपको ट्रू करना है, क्योंकि फ्रेम की विजिबिलिटी बाय डिफॉल्ट हिडन होती है, आपको यहाँ पे इसको ट्रू करना होता है। एंड इतना करने से आपके पास जो फ्रेम है वो आपका बन के बिल्कुल यहाँ पे रेडी हो जाएगा। तो बस इतना सा करना होता है। ठीक है, तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो हम ऐसे हम फ्रेम बना सकते हैं, बट जो फ्रेम है उसका आप अगर देखोगे तो वो ऐसे दिख रहा है मेरे को, उसमें बस यहाँ पे हेडर आ रहा है, मेरे को इसको पकड़ के बड़ा करना पड़ रहा है, इसकी पकड़ के इसकी मेरे को यहाँ पे बीच में लाना पड़ रहा है। तो अब मेरे को यहाँ पे इसको चेंज करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे इसकी जो साइज है फ्रेम का आप यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हो। मैं यहाँ पे सपोज लिख रहा हूँ सेट साइज। सेट साइज में आप सेट साइज फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला जो आर्ग्यूमेंट होता है इसका वो होता है लेंथ, फ्रेम की लेंथ, वो मैं सपोज पास कर रहा हूँ 1200। सेकेंड जो आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है फ्रेम की विथ, जो मैं सपोज पास कर रहा हूँ 500। तो 1200 500 मैंने यहाँ पे पास किया। आप चला के अगर मैं आपको यहाँ पे देखो तो बाय डिफॉल्ट अब जो फ्रेम का साइज है वो 1200, लेंथ है इसकी यहाँ पे 1200, विथ है इसकी यहाँ पे इसकी 500। अब ये खुलेगा,
बट ये हर बार यहाँ पे खुल रहा है टॉप लेफ्ट में, टॉप लेफ्ट में ये यहाँ पे इसका ओरिजिन होता है, बाय डिफॉल्ट लोकेशन होती है किसी भी एक फ्रेम की। बट मेरे को इसको सेंटर में खोलना है, तो आप यहाँ पे इसकी लोकेशन है आप यहाँ पे वो भी चेंज चेंज कर सकते हो। सो लोकेशन में डाल रहा हूँ यहाँ पे 400, लेफ्ट से 400 की लेफ्ट से यहाँ पे थोड़ा सा आ गया, कितना आ गया है तो 400, ऊपर से 200, ठीक है ऊपर से कितना चाहिए मेरे को, यहाँ से चाहिए मेरे को 200। तो सपोज 400 200 मैंने यहाँ पे इसको पास किया, चला के अगर मैं आपको यहाँ पे देखूँ तो अभी ये यहाँ पर खुला है। आप अगर यहाँ पे देखो तो ये यहाँ से 400 है, ऊपर से ये 200 है, बट ये मेरे को यहाँ पे चाहिए थोड़ा सा सेंटर में, तो इसको मेरे को थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। इसको सपोज मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 200, ठीक है 200 200 सपोज मैंने यहाँ पे लिया, और अब ये बिल्कुल ठीक है। या इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे जो अपने हिसाब से जो भी आपके लैपटॉप पे बिल्कुल सेंटर बैठेगा आप उसके हिसाब से लोकेशन जो है उसको चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो जो भी आपका यहाँ पे फ्रेम है बन के बिल्कुल यहाँ पे तैयार हो चुका है। बट ये फ्रेम का जो बाय डिफॉल्ट कलर है ना, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये अजीब सा कलर है ग्रे टाइप कुछ, ये बाय डिफॉल्ट फ्रेम का कलर होता है। आप इसको भी चेंज कर सकते हो। इसको चेंज करने के लिए आपको पहले पूरे फ्रेम को उठाना पड़ेगा। पूरे फ्रेम को हम उठा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गेट कंटेंट पेंट। गेट कंटेंट पेंट फंक्शन की हेल्प से आप यहाँ पे पूरे फ्रेम को उठा सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर सकते हो जो कि होता है सेट बैकग्राउंड। सेट बैकग्राउंड की हेल्प से आप जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सेट बैकग्राउंड लिखा, और यहाँ पे कलर क्लास होती है अपने पास एक, जो हमें सभी यहाँ पे कलर देती है। और सपोज मैं यहाँ पे व्हाइट डाल रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे कलर डॉट व्हाइट लिखा। कलर क्लास यहाँ पे अभी एरर देगी, क्योंकि जो कलर क्लास होती है वो होती है AWT पैकेज के अंदर। तो आपको यहाँ पे जो AWT पैकेज है अपना, उसको यहाँ पे आपको इम्पोर्ट कराना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे जावा डॉट AWT डॉट स्टार लिखा, बिल्कुल ठीक है। कलर क्लास से जो एरर है वो यहाँ पे जा चुका है। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो जो फ्रेम का कलर है वो यहाँ पे व्हाइट हो चुका है, जो कि बिल्कुल ठीक है। अब अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी हो, तो वहाँ पे जो फर्स्ट लॉगिन फ्रेम था उसमें यहाँ पे लेफ्ट साइड में ना एक इमेज लगी हुई थी। तो अब यहाँ पे आपको इमेजेस चाहिए होंगी, इमेजेस आपको मिल जाएंगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, उस गूगल ड्राइव लिंक के अंदर से आप अपनी सभी इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इमेजेस को डाउनलोड करने के बाद आपको वहां पे जाना है जहां पर आपका एक प्रोजेक्ट जाके क्रिएट हुआ है, क्विज एप्लीकेशन जो आपका प्रोजेक्ट है वो जहां पर भी क्रिएट हुआ है। मेरा मेरा जो है वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के अंदर है, दैट मीन्स प्रोजेक्ट्स के अंदर है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे क्विज एप्लीकेशन के नाम से मेरे पास यहाँ पे एक फोल्डर है। आपको यहाँ पे सोर्स के अंदर जाना है, और जो भी आपका जो फोल्डर है आइकन्स के नाम से, जो भी आपने फोल्डर डाउनलोड किया है वीडियो डिस्क्रिप्शन में से गूगल ड्राइव लिंक के अंदर से, उसको आपको यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है। तो ये आइकन्स फोल्डर में मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं। मेरे पास यहाँ पे टोटल 3 आइकन्स हैं, ठीक है बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या क्या करना है, वापस आना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे वापस आओगे तो आप यहाँ पे देखोगे आइकन्स के नाम से आपको यहाँ पे एक फोल्डर बना हुआ मिलेगा। और जैसे अगर आप इसको एक्सपैंड करके देखोगे तो तीनों जो आइकन्स हैं वो मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं। अब आपको जो इमेज है वो उठानी है। इमेज आपको उठानी है आपकी फाइल डायरेक्टरी के अंदर से, जो भी आपकी फाइल डायरेक्टरी है, ठीक है, उस वहां से आपको इमेज उठानी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक क्लास का यूज करते हैं, JFrame क्लास। JFrame के अंदर यहाँ पे क्लास होती है अपने पास, जो कि होती है इमेज आइकन के नाम से। तो यहाँ पे सपोज मैंने इमेज आइकन लिखा, इस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, सपोज इमेज आइकन आई वन इज इक्वल टू न्यू इमेज आइकन। अब आपको इमेज उठानी है उसके अंदर से, क्या बोलते हैं, जो आपका यहाँ पे जो आपका सिस्टम है, जो आपकी फाइल डायरेक्टरी है, वहां से इमेज उठानी है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्लास का यूज करना पड़ता है, जो कि होता है क्लास लोडर। इसके अंदर एक स्टैटिक मेथड होता है, जो कि होता है गेट सिस्टम रिसोर्स। और यहाँ पे आपको वो पूरा एड्रेस पास करना होता है जो जो जहाँ पर आपकी इमेज है। मैंने आपको क्या बोला था कि सोर्स पैकेज के अंदर हम ऑलरेडी है, सोर्स पैकेज के अंदर आइकन्स के नाम से फोल्डर, मैंने यहाँ पे आइकन्स लिखा। अब जो इमेज है वो किस नाम से, वो है आपकी लॉगिन डॉट जेपीजी। तो आपको यहाँ पे लॉगिन लिखना है डॉट जेपीईजी। मेक श्योर एड्रेस बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए विद नेम ऑफ द इमेज एंड एक्सटेंशन, ठीक है। तो इमेज मेरी यहाँ पर आ चुकी है, बिल्कुल सही है। अब इस इमेज को मेरे को फ्रेम के ऊपर दिखाना है, ठीक है। जब भी आपको किसी भी चीज को अगर फ्रेम के ऊपर ऐड करना है, हम यहाँ पे इसको एज अ कॉम्पोनेंट की तरह ट्रीट करते हैं। अगर आपको किसी भी कॉम्पोनेंट को फ्रेम के ऊपर ऐड करना है, तो इसको हमें को फ्रेम के ऊपर प्लेस करना पड़ेगा। कॉम्पोनेंट को मेरे को फ्रेम के ऊपर प्लेस करना पड़ेगा, उसके लिए हम यूज करते हैं ऐड फंक्शन का। अगर आपने कोई भी कॉम्पोनेंट बनाया और आप उसको फ्रेम के ऊपर प्लेस करना चाहते हो, तो हम आपको यहाँ पे ऐड फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। और ऐड फंक्शन के अंदर आपको यहाँ पे जिस भी कॉम्पोनेंट को आपको प्लेस करना है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मेरे वो आईवन के नाम से, तो आपको यहाँ पे इसके अंदर आईवन को पास करना पड़ेगा और सेमी कॉलन, ठीक है। बट ये यहाँ पे एरर दे रहा है, ये यहाँ पे एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि आप डायरेक्टली यहाँ पे I1 को इसके अंदर पास नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे एक जे लेबल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे जे लेबल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। जे लेबल क्या होता है, क्या करता है, इसके बारे में अभी देखेंगे आगे जाकर। यहाँ पे मैं इसके एक्सप्लेनेशन को
स्किप कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे जे लेबल का मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया इमेज के नाम से, मैंने यहाँ पे इसके अंदर आई वन को पास किया। अब आप यहाँ पे एड के अंदर डायरेक्टली इमेज को पास कर सकते हो, जो आपकी जो इमेज है वो यहाँ पे इस जे लेबल के अंदर पड़ी हुई है, और आपने इस जे लेबल को यहाँ पे इसके अंदर पास किया, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली अब यहाँ पे आप इमेज को देख सकते हो। तो आप यहाँ पे देखो मेरे पास जो इमेज है वो यहाँ पे फ्रेम के ऊपर सक्सेसफुली आई है, बट ये फ्रेम के यहाँ पे सेंटर में आई है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ लेआउट्स होते हैं स्विंग में, हमारे पास यहाँ पे कुछ लेआउट्स होते हैं कि आपको अपने कंपोनेंट को फ्रेम के ऊपर कैसे प्लेस करना है, उसके लिए कुछ यहाँ पे लेआउट्स होते हैं। जैसे जैसे स्विंग क्या करता है, वो हमें यहाँ पर कुछ लेआउट्स देता है। लेआउट्स यहाँ पे क्या होते हैं कि आपको कंपोनेंट्स को कैसे फ्रेम के ऊपर प्लेस करना है। हमारे पास यहाँ पे काफी तरह के लेआउट्स होते हैं, जैसे एक बॉर्डर लेआउट होता है अगर आपको बॉर्डर के अराउंड चीजों को प्लेस करना है, एक बॉक्स लेआउट होता है, एक ग्रिड लेआउट होता है। ग्रिड लेआउट आप समझते हो कि अगर आपको एक टेबल के फॉर्म में प्लेस करना है चीजों को, एक फ्लो लेआउट होता है। तो काफी तरह के लेआउट्स होते हैं, बट आप यहाँ पे अपना लेआउट भी बना सकते हो। अगर आप ये चाहते हो कि मेरे को स्विंग के लेआउट्स का यूज नहीं करना, तो आप यहाँ पे अपना लेआउट भी बना सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेट लेआउट, और आपको यहाँ पे नल पास करना पड़ेगा। सेट लेआउट नल पास करके आप यहाँ पे स्विंग को ये बताते हो कि मेरे को आपके लेआउट का यूज नहीं करना, मैं यहाँ पे अपना लेआउट बनाना चाहता हूँ। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊंगा, फ्रेम आपका बिल्कुल एम्प्टी आएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जो इमेज है वो यहाँ से जा चुकी है। अब आपको अगर अपना लेआउट बनाना है, तो आपको जो इमेज है वो आपको खुद से अब लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे सपोज मैंने लिखा इमेज डॉट सेट बाउंड, अपना लेआउट आप बना सकते हो सेट बाउंड फंक्शन की हेल्प से। ये चार आर्ग्यूमेंट लेता है, आपको अपने कॉम्पोनेंट को फ्रेम के ऊपर कहाँ पे प्लेस करना है उसको लेके। तो पहले दो आर्ग्यूमेंट होते हैं आपकी लोकेशन की, आपको कहाँ पे प्लेस करना है। तो मेरे को बिल्कुल लेफ्ट से 0 और टॉप से 0, मैंने यहाँ पे बिल्कुल जो आपका ये वाला फंक्शन है ना सेट लोकेशन, ये बिल्कुल सेम डिट्टो ऐसे काम करता है। लेफ्ट से मैंने यहाँ पे 200 दिया था, ऊपर से मैंने यहाँ पे 150 दिया था, तो वो आपको आगे दिखा था, बट मेरे को इसको फ्रेम की बिल्कुल स्टार्टिंग से यहाँ पे प्लेस करना है। तो मैंने यहाँ पे 0 0 पास किया। उसके बाद आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट टू आर्ग्यूमेंट्स है उसमें आपको लेंथ और विड्थ पास करनी होती है। तो लेंथ और विड्थ में सपोज यहाँ पे पास करो 600, 500, ठीक है। 600 इमेज की लेंथ, 500 इमेज की विड्थ। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, तो फ्रेम के लेफ्ट में आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे इमेज आ चुकी है। लोकेशन मैंने 0 0 पास की थी, तो लेफ्ट से भी 0, ऊपर से भी 0, और ये यहाँ पे 600 और विड्थ यहाँ पे इसकी 500, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है, अब यहाँ पे मेरे को एक हेडिंग डालनी है जिसमें लिखा होगा सिंपल माइंड्स, ठीक है। सिंपल माइंड्स के नाम से अभी यहाँ पे मेरे को एक हेडिंग डालनी है। तो हेडिंग डालने के लिए हम यहाँ पे अगर आपको फ्रेम के ऊपर कुछ भी लिखना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं जे लेबल ग्लास का, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने जे लेबल को एक अलग तरीके से यूज किया था, बट जे लेबल का जो मेन काम है वो है आप जे लेबल की हेल्प से कोई भी यहाँ पर फ्रेम के ऊपर अगर आपको कुछ लिखना है, तो आप जे लेबल की हेल्प से लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर जे लेबल लिखा, मैंने सपोज यहाँ पे लिखा सिंपल और माइंड्स, ठीक है। सिंपल माइंड्स मैंने यहाँ पर लिखा, आपको यहाँ पे सेट बाउंस करना पड़ेगा अगर आपको इसको फ्रेम के ऊपर सेट करना है। तो मैंने यहाँ पे इसको सेट बाउंस किया, कहाँ पे आपको इसको दिखाना है। तो सपोज सर मेरे को यहाँ पे इसको दिखाना है लेफ्ट से कितना चाहिए, लेफ्ट से सपोज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 750, क्योंकि 600 तक तो इमेज ही जा रही है, 150 का मैंने यहाँ पे गैप डाला, तो यहाँ पे मैंने इसको इतने से रखा। ऊपर से सपोज 60, और खुद की लेंथ इसकी सपोज 300, और खुद की विड्थ सपोज इसकी 45। उसके बाद मेरे को यहाँ पे इसको फ्रेम के ऊपर एड भी करना पड़ेगा, बिना एड फंक्शन का यूज किया आप किसी भी कॉम्पोनेंट को फ्रेम के ऊपर एड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप देखो सिंपल माइंड्स यहाँ पे लिखा है, ठीक है, बट ये काफी छोटा है, तो इसके मेरे को फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, उस सबको मेरे को यहाँ पे इसको चेंज चेंज करना है। तो मैंने यहाँ पे सपोज लिखा हेडिंग डॉट सेट फॉन्ट, मैंने यहाँ पे लिखा सेट फॉन्ट के बाद आपको यहाँ पे न्यू फॉन्ट क्लास का आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना है। सेट फॉन्ट फंक्शन मैंने यहाँ पे यूज किया, उसके बाद यहाँ पे आपको फॉन्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ये तीन आर्ग्यूमेंट देता है। पहला आर्ग्यूमेंट होता है आपका फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली में आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, तहोमा डाल सकते हो, सेरिफ है, सेंस सेरिफ है, रेलवे है, कुछ भी आप डाल सकते हो। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ सपोज मंगोलियन और बैती, ठीक है, अच्छा फॉन्ट है, मतलब ठीक ठाक फॉन्ट है, मंगोलियन बैती मैंने यहाँ पर डाला। अरे ये क्या लिखा मैंने, मंगोलियन, बढ़िया। इसके बाद आप यहाँ पे फॉन्ट टाइप, सेकंड आर्ग्यूमेंट जो होता है इसका वो होता है फॉन्ट टाइप, उसमें डालना सपोज फॉन्ट डॉट बोल्ड। और थर्ड आर्ग्यूमेंट जो होता है इसका वो होता है फॉन्ट साइज, उसमें डालना सपोज 18, सेमी कॉलन लगाया मैंने यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखोगे फॉन्ट फैमिली यहाँ पे बड़ी हो चुकी होगी, और जो फॉन्ट साइज है वो यहाँ पे आपका चेंज हो चुका होगा, जो कि यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। या फिर आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा और स्टाइलिश भी बना सकते हो। जैसे स्टाइलिश अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ, तो फॉन्ट आप यहाँ पे दूसरा भी यूज कर सकते हो। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक और फॉन्ट होता है, ठीक है, अच्छा फॉन्ट है, जो कि है वाइनर हैंड आईटीसी, ठीक है। और सपोज मैंने यहाँ पे फॉन्ट डॉट बोल्ड लिया, और इसको थोड़ा सा और बड़ा करते, सपोज मैंने यहाँ पे 40 लिया। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो कुछ इस तरह, तो यहाँ पे आप देखो तो बिल्कुल मस्त चल रहा है, ठीक है। इसके कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो यहाँ पे
हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को यहाँ पे सेट किया था, बट हमें को फ़ॉन्ट कलर को चेंज चेंज करना है। तो फ़ॉन्ट कलर को अगर आपको चेंज चेंज करना है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक अलग फंक्शन होता है जो कि होता है सेट फोरग्राउंड। सेट फोरग्राउंड फंक्शन की हेल्प से आप यहाँ पे जो फ़ॉन्ट कलर है आप यहाँ पे उसको चेंज चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे डायरेक्ट कलर डॉट भी लिख सकते हो, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कलर डॉट ब्लू, ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे ये लिखा, तो आप यहाँ पे देखोगे फ़ॉन्ट कलर जो है इस टाइम पे वो यहाँ पे ब्लू हो चुका होगा, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे कलर क्लास का एक ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो। मैंने यहाँ पे कलर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, अगर आप कलर कलर यहाँ पे पास करना है आरजीबी में, ठीक है, अगर आपको आरजीबी में यहाँ पे कलर कलर को पास करना है तो आप यहाँ पे कलर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के आरजीबी में कलर कलर को यहाँ पे पास कर सकते हो। तो ये भी एक लाइट ब्लू टाइप कलर है, तो मैंने यहाँ पे आरजीबी में मैंने यहाँ पे इसको पास किया, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद मेरे को यहाँ पे एक और लेबल चाहिए जिसमें मैं लिखूंगा एंटर योर नेम। तो यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा एंटर योर नेम, ठीक है, और यहाँ पे सपोज ये वाला जो लेबल होगा आपका वो नेम के नाम से होगा। यहाँ पे मैंने ये लिखा, यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये, एंड यहाँ पर ये, बिल्कुल ठीक है। कहाँ पे मेरे को दिखाना है इसको, तो इसको सपोज थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करते हैं। 810 मैंने यहाँ पर इसको लिया, 60 तक तो यही जा रहा है, 45 इसके यहाँ पे खुद के विथ है, तो 60 प्लस 45 कितना हो गया, ये हो गया आपका 105, तो 150 ले लेते हैं इसको, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद इसको ले लेते हैं सपोज 345, ठीक है, 45 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ये ठीक है, यहाँ पे इसको 20 ले लेते हैं क्योंकि इसको मैं यहाँ पे इसका फोन साइज लेने वाला हूँ यहाँ पे 18, और वाइनर हैंड की जगह हम यहाँ पे मंगोलियन बैटरी जो हमने पहले यूज किया था उसका मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, तो मंगोलियन और बैटरी का मैंने यहाँ पे यूज किया। कलर आप यहाँ पे सेम डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और मैंने यहाँ पे ऐड किया मैंने यहाँ पे नेम को चला के, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो एंटर योर नेम आप यहाँ पे देखो बिल्कुल परफेक्टली आया है। अब इसके नीचे मेरे को यहाँ पे एक डब्बा बनाना है, एक मेरे को यहाँ पे डब्बा बनाना है जिसमें हम यूजर की जो वैल्यूज है उसको एंटर करवा सकते हैं, यूजर से हम वैल्यूज को यहाँ पे एंटर करवा सकते हैं। तो वो डब्बा हम बना सकते हैं टेक्स्ट फील्ड की हेल्प से। हमारे पास यहाँ पे एक क्लास होती है जे टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, जैसे अगर आपने HTML में काम किया तो वहाँ पे हमारे पास होता है इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, वैसे ही यहाँ पर होता है जे टेक्स्ट फील्ड। और सपोज यहाँ पे मैंने लिया TF नेम के नाम से इज इक्वल्स टू और न्यू जे टेक्स्ट फील्ड, आपको यहाँ पे इस क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा एंड दैट्स इट। तो आपको बस इतना सा काम करना है, इतने से हो जाएगा। आपने सपोज यहाँ पे लिखा TF नेम डॉट, तो आपको यहाँ पे सेट बाउंस करना पड़ेगा, बिना सेट बाउंस के आप यहाँ पे उसको फ्रेम के ऊपर प्लेस नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे सपोज दिया 735, लेफ्ट से 735, ऊपर से सपोज 200, खुद के विथ 300, और सपोज मैंने यहाँ पर इसको लिया 25, बिल्कुल ठीक है। और ऐड करते हैं यहाँ पे मैंने लिया इसको TF नेम, बहुत बढ़िया चला के। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो बिल्कुल मस्त चलेगा। आप यहाँ पे देखो जो टेक्स्ट फील्ड है वो यहाँ पर आ चुकी है, कुछ भी आप यहाँ पे नेम एंटर कर सकते हो, बट ये नेम यहाँ पे काफी छोटा है, ठीक है, नेम का जो यहाँ पे फॉन्ट साइज है आप यहाँ पे वो जो भी आप यहाँ पे एंटर कर रहे हो, ठीक है, मतलब टेक्स्ट फील्ड के अंदर आप यहाँ पे जो भी लिख रहे हो उसका आप जो फॉन्ट साइज है फॉन्ट टाइप है वो सब आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है, फॉन्ट आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था मैंने यहाँ पे सपोज फॉन्ट डॉट बोल्ड लिया और मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज ले रहा हूँ 20। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊंगा, मैंने यहाँ पे लिखा कोड फॉर इंटरव्यू, तो आप यहाँ पे देखो बिल्कुल मस्त चल रहा है और बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल ठीक है, तो बहुत मस्त है। इसके बाद आपको यहाँ पे बटन्स बनाने हैं, तो बटन बनाने के लिए हम यहाँ पे जे बटन क्लास का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो एक मेरे को बटन चाहिए यहाँ पे रूल्स के नाम से, मैंने यहाँ पे रूल्स के नाम से एक बटन बनाया, और यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे इसके अंदर पास करोगे बटन के ऊपर एज इट इज लिखा आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे रूल्स को सेट बाउंस करना है, तो मैंने यहाँ पे सपोज सेट बाउंस किया इसको रूल्स को, और यहाँ पे लिखा सपोज 735, ठीक है, और 270, ठीक है, लेफ्ट से 735, ऊपर से 270, ये सब कैसे मैं लिख रहा हूँ ये पूरा वो है, हिडन ट्रायल है पूरा, आपको बार 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 इसको एग्जीक्यूट करके देखना पड़ता है। और सपोज बटन की विथ में ले रहा हूँ 120, और बटन बटन का जो वो है लेंथ है सॉरी 120, और जो विथ है वो है आपकी 25, और सपोज यहाँ पे मैंने ऐड किया रूल्स को, बिल्कुल ठीक है। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो बटन यहाँ पे आप देखो बटन यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली आ चुका है, बट इसका जो बैकग्राउंड कलर है जो फोरग्राउंड कलर है उसको यहाँ पे मेरे को चेंज करना है। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, रूल्स डॉट सेट बैकग्राउंड यहाँ पे आप डाल सकते हो, न्यू कलर, कलर क्लास का सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के आप यहाँ पे जो कलर है वो जो हमने ऊपर दिया था 3144 एंड 254 आप यहाँ पे वो डाल सकते हो। तो आप यहाँ पे देखो कि जो बैकग्राउंड कलर है इसका बटन का वो यहाँ पे इस टाइम पे चेंज हो चुका है। इसके बाद जो बटन के ऊपर जो बैक ब्लैक कलर में लिखा हुआ है आप यहाँ पे फोरग्राउंड उसको भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो, उसको सपोज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कलर डॉट व्हाइट, ठीक है, कुछ भी आप यहाँ पे कलर डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे सपोज रूल्स वाला जो बटन है वो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली आ चुका है। इसके बाद मेरे को यहाँ पे एक बटन और बनाना है जो कि होगा यहाँ पे आपका बैक के नाम से,
ठीक है, तो मैंने सपोज यहाँ पे बैक के नाम से मैंने यहाँ पे एक और बटन बनाया, और ये भी होगा आपका यहाँ पे बैक के नाम से, और बिल्कुल ठीक है। अरे और ये होगा आपका यहाँ पे बैक के नाम से। तो यहाँ पे सपोज बैक के नाम से मैंने ये वाला बटन बनाया, कहाँ से मेरे को इसको स्टार्ट करना है, इसको सर मेरे को इसको थोड़ा सा आगे से यहाँ पे स्टार्ट करना है। तो इसको सपोज मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 915, ऊपर से बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है 125, एंड बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो रूल्स बटन और बैक बटन बिल्कुल यहाँ पे परफेक्टली आ चुके हैं। तो ऐसे आप अपना फ्रेम बना सकते हो। आप अगर यहाँ पे देखो तो दोनों बटन मेरे यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को एक काम करना है कि इन बटन पे एक क्लिक इवेंट लगाना है। अगर मैं यहाँ पे बैक बटन पे क्लिक करूंगा तो ये फ्रेम यहाँ पे बंद होना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे रूल्स बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरा नेक्स्ट फ्रेम खुलना चाहिए। अब यहाँ पे मेरे को ये काम करना है, तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे एक क्लिक इवेंट चाहिए होगा इस बटन के ऊपर, इन दोनों बटन के ऊपर मेरे को यहाँ पे क्लिक इवेंट लगाना है। तो उसको उसके लिए हमें यहाँ पे एक इंटरफेस का हमें यहाँ पे यूज करना होता है, जो कि होता है एक्शन लिस्नर इंटरफेस, ठीक है। हमें यहाँ पे एक इंटरफेस को हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा, जो कि होता है एक्शन लिस्नर। ये इंटरफेस आता है आपका जावा AWT के इवेंट पैकेज के अंदर। तो मैंने यहाँ पे AWT.event.star लिख के मैंने यहाँ पे इसको इम्पोर्ट किया, और एक्शन लिस्नर यहाँ पे इसके अंदर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एरर दे रहा है, ये एरर यहाँ पे इसलिए दे रहा है क्योंकि एक्शन लिस्नर जो हमारा इंटरफेस है इसके अंदर एक अनइम्प्लीमेंटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है हमारे पास, जो कि होता है पब्लिक वर्ड एक्शन परफॉर्म्ड, एंड ये जावा का बिल्कुल बेसिक है। अगर आप अपनी क्लास में किसी भी एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करवाते हो तो उस इंटरफेस के अंदर जितने भी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स होते हैं, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं, आपको उन मेथड्स को ओवरराइड करवाना होता है। तो आपको यहाँ पे इस मेथड को ओवरराइड करवाना पड़ेगा, जो कि है यहाँ पे पब्लिक वर्ड एक्शन परफॉर्म और एक्शन इवेंट ए, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक्शन एक्शन परफॉर्म मेथड को आपने यहाँ पे इंप्लीमेंट करवाया, सेव करवाता हूँ मैं, तो एरर जो है यहाँ से वो जा चुका है। अब मेरे को यहाँ पे क्लिक इवेंट लगाना है। क्लिक इवेंट मेरे को किन बटन के ऊपर लगाना है, एक तो रूल्स बटन के ऊपर लगाना है, एक बैक बटन के ऊपर लगाना है। तो मेरे को यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आपको रूल बटन के ऊपर यहाँ पे एक क्लिक इवेंट चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं एड एक्शन लिस्नर का। एड एक्शन लिस्नर यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन होता है जो हमें बताता है कि यहाँ पे ये वाला फंक्शन इस वाले बटन पे कुछ एक्शन हुआ है, कुछ ये वाले बटन पे कुछ क्लिक हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक इवेंट लगाया जो मेरा रूल्स बटन है, जो बैक बटन है, इन दोनों के ऊपर। अब क्लिक इवेंट तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, बट अब मेरे को उस क्लिक इवेंट पे क्या एक्शन परफॉर्म करना है। अगर रूल्स बटन पे क्लिक होते हैं तो क्या एक्शन परफॉर्म करना है, बैक बटन पे अगर क्लिक होते हैं तो क्या एक्शन परफॉर्म करना है, अब मेरे को यहाँ पे ये डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे इस वाले एक्शन परफॉर्म फंक्शन के अंदर, बट मेरे को यहाँ पे पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि कौन सा बटन पे क्लिक हुआ है। आप अगर यहाँ पे देखो तो दोनों बटन पे यहाँ पे सेम फंक्शन कॉल हुआ है, और दोनों बटन यहाँ पे सेम फंक्शन इंटरनली यहाँ पे कॉल करेंगे। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट आप कर सकते हो इस वाले फंक्शन की हेल्प, इस वाले क्लास की हेल्प से, जो एक्शन इवेंट यहाँ पे क्लास है इसके ऑब्जेक्ट की हेल्प से। आप यहाँ पे हमारे पास एक गेट सोर्स करके हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन होता है, इसके इसकी हेल्प से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि क्या रूल्स बटन क्लिक हुआ है। अगर रूल्स बटन क्लिक नहीं हुआ तो क्या आपका यहाँ पे बैक बटन क्लिक हुआ है, आप यहाँ पे ये चेक कर सकते हो, ठीक है। बट ये रूल्स और बैक दोनों यहाँ पे एरर देंगे, क्योंकि ये यहाँ पे इनका जो स्कोप है ये लोकली डिफाइंड है, ये लोकली यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइंड है। अब मैं इनको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के बाहर दूसरे फंक्शन में यूज कर रहा हूँ तो इसलिए ये नहीं चल रहे। तो आपको यहाँ पे इनको ग्लोबली डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा जे बटन और रूल्स और बैक के नाम से, सपोज यहाँ पे मैंने इनको ग्लोबली डिक्लेयर किया। ग्लोबली डिक्लेयर करने के बाद आपको जो लोकल डिक्लेरेशन है उसको हटा देना है यहाँ से। तो मैंने यहाँ से उन दोनों को हटाया, इसके बाद आपको यहाँ पे आना है और ये बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। अब अगर यहाँ पे बैक बटन पे क्लिक होता है तो आपको कुछ नहीं करना, बस सेट विजिबल को आपको यहाँ पे फॉल्स कर देना है, फ्रेम को यहाँ पे हाइड कर देना है। और आपको अगर मैं यहाँ पे चला के दिखाऊं, अरे एक सेकंड यहाँ पे अपर कैरेट लग गया, इसको हटाते हैं, बढ़िया। तो अब आपको अगर मैं यहाँ पे चला के दिखाऊं, जैसे मैं यहाँ पे बैक बटन पे क्लिक करूंगा फ्रेम आपका क्लोज होना चाहिए, फ्रेम आपका क्लोज हुआ है। फिर से चला के दिखाता हूँ, बैक बटन के क्लिक पे फ्रेम क्लोज होना चाहिए, फ्रेम यहाँ पे क्लोज हुआ है। अब रूल्स बटन के क्लिक पे मेरे को यहाँ पे नया फ्रेम खोलना है, तो उसके लिए मेरे को नया फ्रेम बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, इस पे आपको यहाँ पे क्लास बनानी है सपोज रूल्स के नाम से, ठीक है। वही सेम ड्रिल है, कमेंट को हटाना है, जितने भी कमेंट्स हैं उन सबको हटाना है आपको। यहाँ पे आपको एक फंक्शन बनाना है जो कि आपका आपका मेन मेथड होगा। मैंने यहाँ पे लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे सपोज मैंने लिखा स्ट्रिंग ARGS, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स का मैंने यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट पास किया। रूल्स क्लास का आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाती है आपको कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी बनाया, ठीक है। एक्सटेंस करना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे जे फ्रेम को, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक फ्रेम बनाना है। जे फ्रेम आपका कहाँ से आता है, जे फ्रेम आपका आता है जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टार के अंदर से, और बिल्कुल सही है। तो यहाँ से आपका ये आता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे मेरे को एक फ्रेम बनाना है, ठीक है, ये वाला जो रूल्स वाला जो फ्रेम है, अब यहाँ पे मेरे को ये बनाना है। तो इसके लिए आप यहाँ पे दो फंक्शंस का यूज कर सकते हो। सबसे पहले तो सेट साइज, फ्रेम का आपका साइज कितना होगा, सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 800,
और सपोज यहाँ पे दिया 650 और बिल्कुल ठीक है। फिर आपको यहाँ पे सेट लोकेशन देनी है, सेट लोकेशन क्या दे, लोकेशन सपोज मैं इसकी दे रहा हूँ यहाँ पे 300 एंड 150, और उसके बाद आपको यहाँ पे करना है सेट विजिबल और प्रूफ। ये तीन चीजें हमने लास्ट वीडियो में मैप पे भी की थी और तीन चीजें हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को और ऊपर करना पड़ेगा, इसको मेरे को यहाँ से लेना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे इसको 350, ताकि ये थोड़ा सा आगे हो जाए और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर हो जाए, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे फ्रेम का जो कलर है उसको मेरे को यहाँ पे चेंज करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा गेट गेट कंटेंट पेन, और आपको यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करना, बस सेट बैकग्राउंड लिखना है और यहाँ पे आपको लिखना है कलर डॉट वाइट, ताकि जो फ्रेम का जो कलर है वो यहाँ पे वाइट हो जाए, ठीक है। कहीं पे एरर है क्या हुआ, कलर क्लास में एरर आएगा क्योंकि कलर क्लास आपकी होती है AWT पैकेज के अंदर, तो यहाँ पे AWT डॉट स्टार लिखा, एक कलर क्लास को यहाँ पे इम्पोर्ट कर देगा। इसके बाद मैं यहाँ पे अपना अपना खुद का लेआउट बनाऊंगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा सेट लेआउट और इसको कर देते हैं सपोज यहाँ पे नल, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे आपका एक लेबल बनाना है, ठीक है, मेरे को यहाँ पे एक लेबल बनाना है जिसमें लिखा होगा वेलकम दिस 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 समथिंग करके, तो वो एक हेडिंग होगी। तो यहाँ से मैंने इसको सपोज कॉपी कर लिया क्योंकि सेम ही कोड है, वापस से बार बार टाइप करने का कोई फायदा नहीं है। तो मेरे को इसको कहाँ से दिखाना है, फोरग्राउंड कलर यहाँ पे मेरे को चेंज करना पड़ेगा, वो ही रखते हैं सेम, ठीक है। फॉन्ट कलर मेरे को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, सेम ही रखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट सेट बाउंड मेरे को यहाँ पे चेंज करने पड़ेंगे, तो सपोज लेफ्ट से मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 60 30 सॉरी, और ऊपर से सपोज कितना दें, ये काम करते हैं इसको 50 लेते हैं, 50 और 20 यहाँ पे मैंने लिया, और इसकी खुद की लेंथ है सपोज यहाँ पे 700, और सपोज इसको मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 30, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि मेरे को यहाँ पे जो फॉन्ट साइज है 14 लेना, 40 काफी बड़ा हो जाएगा, तो अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ तो यहाँ पर सिंपल माइंड्स लिखा है, बिल्कुल ठीक है, बट मेरे को यहाँ पे सिंपल माइंड्स नहीं लिखना। अब दो चीजें हैं, ठीक है, आपको नहीं अभी, अगर मैं आपको यहाँ पे आपको सिंपल माइंड्स लिख के दिखाऊँ, अब यहाँ पे मेरे को एक काम करना है कि जैसे मैं यहाँ पे रूल्स पे क्लिक करूंगा ना, जैसे मैं यहाँ पे रूल्स पे क्लिक करूंगा, तो मेरे को जो रूल्स वाली क्लास है उसको खोलना है। तो सबसे पहले तो मेरे को करंट फ्रेम को क्लोज करना है, करंट फ्रेम को मैंने यहाँ पे सेट विजिबल फॉल्स लिखा। आपको अगर नई वाली क्लास को खोलना है, नई वाली क्लास के अगर फ्रेम को खोलना है, तो आपको यहाँ पे रूल्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, डेट सेट। अगर आप इतना कर दोगे इतने से हो जाएगा, तो अगर मैं यहाँ पे रूल्स पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखो वाला फ्रेम क्लोज हो गया एंड ये वाला फ्रेम खुल गया, ठीक है, मस्त चल रहा है। बट मेरे को यहाँ पे आपका जो यहाँ पे ये वाली टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है, इस वाली टेक्स्ट फील्ड के अंदर बंदे ने यहाँ पे जो भी कुछ लिखा है उसको मेरे को वहां पे पास करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे इसको ग्लोबली डिक्लेयर करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोकली डिक्लेयर्ड है, तो मेरे को यहाँ पे इसको ग्लोबली यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे टीएफ नेम को ग्लोबली डिक्लेयर किया। आपको यहाँ पे अब नीचे आना है, आपको यहाँ पे वो वाली वैल्यू निकालनी है जो यूजर ने यहाँ पे एंटर की है। तो टेक्स्ट फील्ड में से अगर आपको कुछ भी निकालना होता है, कोई भी वैल्यू निकालनी होती है, तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है गेट टेक्स्ट। गेट टेक्स्ट फंक्शन की हेल्प से आप यहाँ पे यूजर ने जो भी टेक्स्ट फील्ड के अंदर एंटर किया है आप यहाँ पे वो निकाल सकते हो। यहाँ पे आपने उसको इस वाले नेम के अंदर यहाँ पे स्टोर करवा लिया। अब इस रूल्स के अंदर मेरे को उसको पास करना है, मैंने यहाँ पे रूल्स के अंदर मैंने यहाँ पे नेम को पास किया, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, पैरामीटराइज एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जिसमें मेरे पास नेम आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे नेम को यहाँ पे लिखा, बिल्कुल ठीक है। आपको एक नेम को यहाँ पे ग्लोबली भी स्टोर करवा लेते हैं, मैंने सपोज यहाँ पे दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम लिखा, मैंने यहाँ पे जो नेम है उसको यहाँ पे ग्लोबली भी स्टोर करवाया। इसके बाद आपको यहाँ पे एक काम करना है, आपको यहाँ पे लिखना है वेलकम, और जो भी यूजर नाम डालेगा तो वेलकम और प्लस नेम और प्लस टू और सिंपल माइंड्स, ठीक है, वेलकम जो भी नाम है टू सिंपल माइंड्स। इसके बाद अगर बंदे ने अगर वहां पे कुछ भी नहीं डाला एंड खाली छोड़ा, तो मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यूजर पास कर रहा हूँ, तो बिल्कुल ठीक है। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो बिल्कुल मस्त चलेगा, एक सेकंड दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने सपोज लिखा कोड फॉर इंटरव्यू, मैंने यहाँ पे कोड फॉर इंटरव्यू लिखा, रूल्स मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये क्लोज हुआ ये खुला, आप यहाँ पे देखो वेलकम कोड फॉर इंटरव्यू टू सिंपल माइंड्स, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। अब यहाँ पे मेरे को आपके सभी रूल्स दिखाने, जो जो भी आपके रूल्स हैं अब यहाँ पे मेरे को वो दिखाने हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे रूल्स पे जाना है, और आपको यहाँ पे एक कोड आपका लेबल बनाना, एक और यहाँ पे आपको वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जो सपोज मैं ले रहा हूँ यहाँ पे रूल्स के नाम से, ठीक है, और यहाँ पे सपोज ये लिया मैंने, और बिल्कुल ठीक है, इसको ऐड किया, इसको यहाँ से एम्प्टी छोड़ रहा हूँ क्योंकि वैल्यू मैं यहाँ पे इंसर्ट करवाऊंगा डायनेमिकली, मैंने यहाँ पे इसको एम्प्टी छोड़ा। कहाँ से आपको दिखाना है इसको, तो मैं सपोज इसको 20 ले रहा हूँ लेफ्ट से 20, ऊपर से मेरे को इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, तो सपोज 90 लिया मैंने, और इसको लेते हैं 700, और यहाँ पे मेरे को विड्थ थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, इसको मैं ले रहा हूँ सपोज 350, ठीक है। और फॉन्ट तो चेंज करने की मेरे को लगता है यहाँ पे कोई जरूरत है, या फिर कर भी देते हैं, या फिर फॉन्ट थोड़ा सा सिंपल ले लेते हैं, अगर फॉन्ट रख रहे हैं तो थोड़ा सा सिंपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, तहोमा ले रहा हूँ, तहोमा अच्छा फॉन्ट है, और मेरे को यहाँ पे इसको बोल्ड नहीं दिखाना, मेरे को यहाँ पे इसको बिल्कुल प्लेन दिखाना है, 28 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 16, ठीक है।
फोरग्राउंड कलर चेंज करेंगे, फोरग्राउंड चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, आप इसको ब्लैक भी छोड़ सकते हो, बिल्कुल ठीक रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक काम करना है, आपको यहाँ पे सेट टेक्स्ट फंक्शन का यूज करना है। मैंने आपको यहाँ पे एक चीज दिखाई थी, अगर आपको वैल्यूज को गेट करना है तो आप यहाँ पे गेट टेक्स्ट फंक्शन का यूज कर सकते हो, बट अगर आपको वैल्यूज को सेट करना है डायनेमिकली तो आप यहाँ पे सेट टेक्स्ट फंक्शन का यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे रूल्स डॉट सेट टेक्स्ट का मैंने यहाँ पे यूज किया, ठीक है, और यहाँ पे मेरे को रूल्स मेंशन करने हैं, तो रूल्स आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाने, वहां पर आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, उसके अंदर एक टेक्स्ट फाइल मिलेगी, वहां से आप अपने सभी रूल्स को उठा सकते हो। तो यहाँ रूल्स को कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस उनको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो HTML फॉर्मेट में आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे जो रूल्स हैं यहाँ पे उनको पूरा पेस्ट कर दिया, ठीक है, जितने भी मेरे पास यहाँ पे रूल्स हैं। आखिर में मैंने यहाँ पे BR लगाया हुआ है, BR होता है ब्रेक रो के लिए, ब्रेक रो मतलब वो रो को ब्रेक करता है, नेक्स्ट लाइन में ले आता है। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा, ठीक है, चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। आप यहाँ पे देखो सभी रूल्स मेरे पास यहाँ पर आएंगे और सभी रूल्स मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं, बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद अब यहाँ पे मेरे को एक काम करना है, एक सेकेंड, इसको यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे मेरे को बटन्स बनाने हैं, तो बटन्स हम बना सकते हैं यहाँ से, इसको सपोज कॉपी कर लेता हूँ मैं, और मेरे को यहाँ पे बैक बटन चाहिए और यहाँ पे मेरे को स्टार्ट वाला बटन चाहिए। तो यहाँ पे दोनों बटन कॉपी कर लेते हैं इससे अच्छा, ठीक है, मैंने यहाँ पे इससे अच्छा दोनों बटन को यहाँ से मैंने कॉपी किया और बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे लाके मैंने यहाँ पे दोनों बटन को बिल्कुल यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे दो बटन होंगे, एक तो मेरे पास यहाँ पे बैक बटन होगा, बैक बटन को पहले ले लेते हैं, ठीक है। या तो आप बैक बटन का यूज करके आप बैक जा सकते हो, या फिर आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो कि आप यहाँ पे सीधा आप यहाँ पे जो स्टार्ट वाला बटन है आप यहाँ पे उस पर क्लिक कर सकते हो क्विज को स्टार्ट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे सपोज रूल्स को मैं यहाँ पे रिप्लेस किया मैंने यहाँ पे स्टार्ट के नाम से, और मैंने सपोज यहाँ पे स्टार्ट किया और बिल्कुल ठीक है, और सपोज स्टार्ट, और यहाँ पे आ गया आपका स्टार्ट। बैक बटन और स्टार्ट बटन मेरे को यहाँ पे ग्लोबली डिफाइन करने हैं, तो मैंने सपोज यहाँ पे किया मैं, और यहाँ पे मैंने जे बटन और स्टार्ट और बैक को मैंने यहाँ पे ग्लोबली डिफाइन किया, ठीक है। इंप्लीमेंट करना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे एक्शन लिसनर को, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे मेरे को इनके ऊपर एक क्लिक इवेंट भी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया मैंने यहाँ पे एक्शन लिस्टनर को, एक्शन लिस्टनर आपका आता है AWT के इवेंट पैकेज के अंदर से, तो आपको यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा AWT के इवेंट पैकेज के अंदर से। मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया एक्शन लिस्टनर को, इसके अंदर एक मेथड होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको यहाँ पे उसको ओवरराइड करना पड़ेगा। मेथड का नाम होता है एक्शन परफॉर्म मेथड, ठीक है, आपको बिल्कुल परफेक्टली यही नाम लिखना है, ठीक है, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप यहाँ पे मेथड को ओवरराइड कर रहे हो। उसके बाद आपको यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा मेथड कॉल हुआ है, तो उसके लिए आप एक्शन इवेंट क्लास का यहाँ पे यूज कर सकते हो, एक्शन इवेंट का ऑब्जेक्ट डॉट गेट सोर्स, अगर ये आपका स्टार्ट के इक्वल हुआ है तो आप यहाँ पे जो करना है आप यहाँ पे वो कर सकते हो, एल्स इफ या एल्स भी कर सकते हो क्योंकि दूसरे बटन है वही कॉल होगा इस केस में। तो आप यहाँ पे करंट फ्रेम को आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हो, सेट विजिबल को मैंने यहाँ पे फॉल्स लिखा, और आप यहाँ पे जो न्यू लॉग इन क्लास है आप यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हो, बिल्कुल ठीक है। तो आपको अगर मैं यहाँ पे इसको चला के दिखाऊँ बिल्कुल मस्त चलेगा, ठीक है, बट बटन की जो प्लेसमेंट है अभी मेरे को यहाँ पे वो करनी है तो आपको यहाँ पे एक काम करना है, बैक बटन आपको सपोज लेफ्ट से मैं ले रहा हूँ इसको 250 और ऊपर से सपोज मैं ले रहा हूँ इसको 500, ठीक है, लेंथ ले रहा हूँ सपोज इसकी 100 और विथ में ले रहा हूँ सपोज इसकी 30, और स्टार्ट बटन आपको कहाँ से चाहिए, ये सपोज मैं ले रहा हूँ लेफ्ट से 400, ऊपर से बिल्कुल सेम प्लेस पे, और यहाँ पे ये भी लेंथ और विड्थ बिल्कुल सेम। तो चला के अगर मैं आपको यहाँ पे देखो बटन की प्लेसमेंट बिल्कुल परफेक्ट आएगी, आप यहाँ पे देखो बैक और स्टार्ट बटन बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर आए हैं। बैक पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये क्लोज होना चाहिए, यहाँ पे ये खुलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सपोज मैंने लिखा कोड फॉर इंटरव्यू, रूल्स मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया वेलकम कोड फॉर इंटरव्यू टू सिंपल माइंड्स, और यहाँ पे बैक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वापस वही खुल जाएगा, बिल्कुल मस्त चल रहा है। तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने दो फ्रेम्स बनाए हैं, जो कि है यहाँ पे अपना फर्स्ट फ्रेम था लॉगिन फ्रेम, सेकंड हमने यहाँ पे रूल्स वाला फ्रेम बनाया है, ठीक है। और अगर आपके पास इस प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट फाइल है और आप उसको कंट्रीब्यूट करना चाहते हो ताकि दूसरों को हेल्प मिले, तो यार प्लीज मेरे को मेल करना code4interview03@gmail.com पर, ठीक है। एंड आपको इस पूरे प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसको उठा सकते हो और फर्स्ट कमेंट को चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम क्विज कैसे बना सकते हैं, क्विज पे हम काम करेंगे बेसिकली, वहां पे वाला फ्रेम बनाएंगे और बाकी सब हम देखेंगे कि कैसे हम बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी एरर है, एक्सेप्शन है, तो आप
कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। कमेंट नहीं आप करना चाहते आप मेरे को पिंग कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, वहाँ पर आपको सर्च करना है कोड फॉर इंटरव्यू। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक करना, ठीक है। एंड अगर आप चैनल पढ़ रहे हो, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।